I'm inviting you to make socially relevant pages. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर मूवी वाला के एक और फ्रेश वीडियो पर। और इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर हैकिंग से रिलेट करने वाली साउथ की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें आपको हैकिंग के साथ साथ एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। और इन फिल्मों में आपको हैकिंग उतनी ज्यादा तो नहीं, बस हल्की फुल्की देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में आज तक ऐसी कोई भी फिल्म नहीं बनी जो पूरी तरह से हैकिंग पर बेस्ड हो। और दोस्तों, अगर आप साउथ इंडियन फिल्में देखने के शौकीन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं अपनी फर्स्ट मूवी के बारे में। हमने नंबर वन पर कहा है फिल्म इवान थान थिरन को, जिसको हिंदी डबर्जन में नाम दिया है एक जबरदस्त फाइट प्लान। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शक्ति पर बेस है, जो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान चलाता है। लेकिन कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब शक्ति और उसका दोस्त राज्य के शिक्षा मंत्री के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जाते हैं, तो वहां पर उनको पेमेंट नहीं दिया जाता और साथ ही उन्हें बेइज्जत किया जाता है। और जिसके बाद बदला लेने के मकसद से शक्ति हैकिंग की हेल्प से उस मंत्री के सभी काले चिट्ठों की पोल खोलना शुरू कर देता है। और फिर शक्ति को ट्रैक करने या उस तक पहुंचने के लिए वो मंत्री कई कंप्यूटर हैकर्स की हेल्प लेता है। अब दोस्तों, फिल्म के अंत में क्या शक्ति उस मंत्री के सभी काले कारनामों की पोल खोल पाता है या नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और इस फिल्म में कंप्यूटर हैकिंग बहुत ही शानदार है, तो ये फिल्म आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक है, आप जाकर फिल्म को एंजॉय कीजिए। हमने नंबर टू पर कहा है फिल्म सोशल को। दोस्तों, ये फिल्म नहीं बल्कि एक वेब सीरीज है, जिसमें चार लोगों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो एक लापता लड़की के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए है। और ये वेब सीरीज साइबर अपराधियों के काले चेहरों से लोगों को अवगत कराती है और साथ ही ये भी बताती है कि कैसे इंटरनेट की हेल्प से साइबर अपराधी इनोसेंट लोगों के लाइफ से खेलते हैं। दोस्तों, ये वेब सीरीज पूरी तरह से बाल तस्करी पर बेस है, जिसमें नायक सोशल मीडिया का यूज करके दोषियों का पता किस प्रकार लगाता है। ये सब आपको इस वेब सीरीज को देखने से मालूम चलेगा। और अगर आप एक बेस्ट कंप्यूटर हैकिंग से रिलेट करने वाली वेब सीरीज देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इस वेब सीरीज को देख सकते हो। और हाँ, ये वेब सीरीज आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी। हमने नंबर थ्री पर कहा है फिल्म मिक्की वायरस को। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी मिक्की नाम के एक हैकर पर बेस है, जो पुलिस के साथ मिलकर एक मामले की तहकीकात कर रहा है। और इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। एक दिन उस लड़की की हेल्प करने के चक्कर में मिक्की एक बैंक की साइट को हैक करके बैंक से 100 करोड़ रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और फिर उसके अगले ही दिन उस लड़की का रहस्यमय तरीके से उसके ही घर पर मर्डर हो जाता है। अब दोस्तों, उस लड़की की हेल्प से मिक्की से 100 करोड़ की डिजिटल रॉबरी कौन करवाता है और साथ ही उस लड़की का मर्डर किसने किया, इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है बॉलीवुड की यह बेस्ट फिल्म मिक्की वायरस। और ये कंप्यूटर हैकिंग और साइबर क्राइम पर बनी एक जबरदस्त फिल्म है, जिसमें आपको हैकिंग काफी एडवांस लेवल पर देखने को मिलती है। हमने नंबर फोर पर कहा है फिल्म ननकू परेमाथू को, जिसको हिंदी डबर्जन में नाम दिया है फैमिली एक डील। दोस्तों, फिल्म की कहानी अभी नाम के एक नौजवान पर बेस है, जिसके पिता को उसका बिजनेस पार्टनर धोखा देता है और हैकिंग की हेल्प से उसके पिता के सारे सिस्टम को हैक करके उसको दिवालिया घोषित करवा देता है। और फिर वर्षों बाद अभी बदला लेने के मकसद से अपने पिता के बिजनेस पार्टनर की सारी संपत्ति को लूटने का प्लान बनाता है, ताकि वो दिवालिया घोषित हो जाए। अब दोस्तों, क्या अभी अपने पिता के बिजनेस पार्टनर से बदला ले पाने में कामयाब होगा और वो अपने पिता के दुश्मन से बदला किस प्रकार लेता है, फिल्म में ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा। और अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो इस फिल्म में आपको अच्छी खासी हैकिंग देखने को मिल जाएगी और डेफिनेटली ये फिल्म आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। हमने नंबर फाइव पर कहा है फिल्म जगुआर को। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी MBBS की पढ़ाई करने वाले कृष्णा नाम के एक अनाथ लड़के पर बेस है, जो नेचर से बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन वो अपने किसी पुराने बदले को पूरा करने के लिए कई लोगों को मारता है और फिर उनके मर्डर को टीवी पर लाइव दिखाता है। अब दोस्तों, उन लोगों ने कृष्णा के साथ ऐसा क्या किया था जिसके कारण वो उन लोगों को मारने के बाद उनके मर्डर को टीवी पर लाइव दिखाता है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और इस फिल्म में आप अच्छी खासी हैकिंग देख सकते हो और ये फिल्म आपको भी काफी पसंद आएगी। हमने नंबर सिक्स पर कहा है फिल्म आईस्मार्ट शंकर को। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर शंकर पर बेस है, जो अपने बॉस के कहने पर एक पॉलिटिशियन का मर्डर कर देता है और छिपने के लिए गोवा चला जाता है। लेकिन वहां जाते ही पुलिस उस पर हमला कर देती है और उस हमले में उसकी प्रेमिका मर जाती है और शंकर अपनी याददाश्त खो बैठता है। दोस्तों, इसी केस पर एक CBI ऑफिसर अरुण भी काम कर रहा होता है और उसके पास उस पॉलिटिशियन के मर्डर से रिलेटेड कई बड़े एविडेंस होते हैं, लेकिन गुंडे उस ऑफिसर को मार देते हैं। और जिसके बाद CBI उस केस से जुड़े सभी इंपोर्टेंट एविडेंस को हासिल करने के लिए शंकर के माइंड में उस CBI ऑफिसर की मेमोरी को ट्रांसफर करवाने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, क्या शंकर के माइंड में उस CBI ऑफिसर की मेमोरी ट्रांसफर होगी, और अगर शंकर के माइंड में उस CBI ऑफिसर की मेमोरी ट्रांसफर हो जाती है, तो आगे क्या क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है ये फिल्म।
और इस फिल्म में आपको कंप्यूटर हैकिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको आदित्य मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हमने नंबर 7 पर रखा है फिल्म अंजाम पतिरा को। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट अनवर पर बेस है जो केरल पुलिस की हर हाल में हेल्प करता है, लेकिन जब शहर में कई पुलिस वालों का रहस्यमय तरीके से मर्डर होना शुरू हो जाता है तो उसको इन सबके पीछे एक साइको किलर के होने का शक होता है। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि वो साइको किलर हर मर्डर करने से पहले पुलिस वालों को चैलेंज भी करता है। अब दोस्तों क्या अनवर उस साइको किलर के बारे में पता लगा पाता है या नहीं, और वो साइको किलर पूरे शहर में पुलिस वालों का ही बहरहमी से मर्डर क्यों करता है, इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है ये फिल्म। और इस फिल्म में उस साइको किलर को ट्रैक करने या उसके बारे में पता लगाने के लिए हैकिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक अवेलेबल है। ये फिल्म आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी। हमने नंबर 8 पर रखा है फिल्म उक्का अम्माई थप्पा को, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है असली फाइटर। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कृष्णा नाम के एक लड़के पर बेस है जो हैदराबाद के एक फ्लाईओवर पर एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, और इसी दौरान उसे ऑटो में बैठी एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके कुछ घंटों बाद उसको एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो उसको बोलता है कि अगर वो उसका कहना नहीं मानेगा तो वो ऑटो में बैठी उस लड़की को मार देगा। अब दोस्तों वो अनजान व्यक्ति कौन है और वो फ्लाईओवर पर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कृष्णा को ही क्यों चुनता है, इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है ये फिल्म। और इस फिल्म में आपको थोड़ी बहुत हैकिंग देखने को मिल जाएगी, और साथ ही फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल भी शानदार है जिसके कारण आप एंड तक फिल्म के साथ बने रहोगे। हमने नंबर 9 पर रखा है फिल्म खतानम को। दोस्तों इस फिल्म की कहानी अनु नाम की एक स्क्रिप्ट राइटर पर बेस है जिसको एक फिल्म डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट लिखने का मौका देता है, लेकिन कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब वो अपनी स्क्रिप्ट को पेपर पर लिख लेती है तो उसके बाद उसके सभी वास्तविक कैरेक्टरों का रियल लाइफ में रहस्यमय तरीके से मर्डर होना शुरू हो जाता है, और जिसके बाद वो स्क्रिप्ट राइटर अनु इन मर्डर्स को रोकने के लिए एक पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेती है। अब दोस्तों उस स्क्रिप्ट के सभी रियल लाइफ कैरेक्टरों का रहस्यमय तरीके से मर्डर होना क्यों शुरू हो जाता है और इसके पीछे क्या प्लेसबैक है, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और इस फिल्म में आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की हैकिंग देखने को मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक है, आप जाकर फिल्म को एंजॉय कीजिए। हमने नंबर 10 पर रखा है फिल्म चाकरा को। दोस्तों यह तमिल भाषा की एक अपकमिंग साइबर क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो पहले इसी वर्ष सितंबर महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बढ़ते लॉकडाउन के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। ये फिल्म टोटली हैकिंग पर बेस है जो आपको जब थिएटर ओपन होंगे तब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स के एक गैंग द्वारा एक रोबरी के अराउंड घूमती है जिसे वो 15 अगस्त के मौके पर अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। और फिल्म की बाकी स्टोरी क्या है और फिल्म में विशाल किस रोल में नजर आएंगे, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और ये फिल्म शायद 2021 के जनवरी महीने में रिलीज होने की पूरी आशंका है। तो फाइनली दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपने साउथ की इन 10 फिल्मों को देख रखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 10 फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर नहीं देख रखा तो पहले आप इन फिल्मों को देखिए और फिर कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।